મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ, હેલો, કેમ છો? સબ બરોબર? લાસ્ટ લેક્ચર મેં મેને ડ્યુઅલ નેચર ઓફ રેડિયેશન એન્ડ મેટર વેવ જો હૈ વો ખતમ ક્યા ન્યુમેરિકલ કે સાથ. ન્યુમેરિકલ કા જો પાર્ટ હૈ સોલ્યુશન વાલા, જો લોગ ટેબલ સે કરના હૈ વો આપકે લિયે રખા હૈ, વો પ્લીઝ સોલ્વ કરના, આન્સર મેચ કરના. જો ભી આન્સર નહીં આયેંગે પ્લીઝ ગેટ બેક ટુ અસ. ન્યુમેરિકલ્સ આર વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્લીઝ ડોન્ટ ઇગ્નોર. ठीक है, अच्छे सम्स हैं, मज़ा आएगा सॉल्व करने को. और प्रैक्टिस करते करते ही न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट जाएंगे. सो अभी से चालू करो न्यूमेरिकल, डे बाय डे करते जाओ, हो जाएगा. रोज़ के 4 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे, 3 न्यूमेरिकल की भी सॉल्व करोगे, तो भी आपका धीरे धीरे वो पोर्शन ख़त्म होते जाएगा. ठीक है, आज मैं मेरे पार्ट का सेकेंड चैप्टर चालू कर रहा हूँ, विच इज़ फिजिक्स 2, चैप्टर नंबर 16, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. इसका वेटेज हो सकता है 3 to 4 मार्क्स. ठीक है, अभी अपने पास न्यू सिलेबस है अंदाज़ा नहीं, लेकिन लास्ट ईयर से जो चैप्टर का इंक्रीज़ किया है कंटेंट, उसके हिसाब से 3 से 4 मार्क का होना चाहिए. लेकिन ये भी चैप्टर इजी है, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा पार्ट थियोरी है और बेस्ड है. पहला जो है हमने 11th स्टैंडर्ड में सेमीकंडक्टर पढ़ा था, पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से बनता है, पीएन जंक्शन को यूज़ किस तरीके से किया जाता है, पीएन जंक्शन का बायसिंग किसा होता है, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है, किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, ये सब हमने लास्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ठीक है, एक बार उसको रिकैप कर लेना तो आपको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं आएगा इसमें. वैसे भी तकलीफ तो नहीं आएगा क्योंकि फ्रेश पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार रिकैप मारने का ज़रूरत है. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 16, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 344 एज पर दी न्यू सिलेबस. दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक. नाउ ऑन इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, तो अपने को मालूम है कि जब हम एक मेटेलिक कंडक्टर को आधा पार्ट पी टाइप से डोप करेंगे और आधा पार्ट एन टाइप से डोप करेंगे, तो बीच में एक डेप्लीशन लेयर क्रिएट होगा और उसके बाद ये जो डिवाइस है या ये जो कंडक्टर है वो पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा. ठीक है, अच्छा इसमें क्या करेंगे, पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना है, एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना है और बीच में पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करके डेप्लीशन लेयर फॉर्म करेंगे और वो एक अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. और पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू फिक्स्ड है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 and 0.7 वोल्ट्स. तो अभी ये जो है पीएन जंक्शन डायोड का डिस्क्रिप्शन आपको देता है कि भाई पीएन जंक्शन डायोड क्या है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका सिंबल किस तरीके से होगा. ठीक है, नेक्स्ट कि हम जब पावर जनरेट करते हैं इंडिया में तो पावर जनरेशन के काफ़ी सारे तरीके हैं. पहला तरीका है थर्मल पावर प्लांट, जो हम कोल जला के पानी को गर्म करके स्टीम बना के करते हैं, जो हमारा धानों में जो रिलायंस था अभी अडानी हो गया. फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसका मास का डिफरेंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी, वो हीट से हम पानी गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. फिर आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पानी को नीचे से ऊपर गिरा ऊपर से नीचे गिरा के टर्बाइन के ऊपर रोटेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. विंड एनर्जी है, काफ़ी सारे एनर्जी बनाने के सोर्स है अपने पास और इस तरीके से एनर्जी बनती है. लेकिन जो एनर्जी बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो अल्टरनेट करंट होती है, दैट इज़ एसी सोर्स. ठीक है, हमारे पास दो तरीके की यूज़ है, एसी और डीसी. तो एसी सोर्स हम बनाते हैं क्योंकि वो बनाने में भी इजी है, रिसोर्सेज अवेलेबल है अपने पास और जो ट्रांसमिट करने का प्रोसेस है वो भी इजी, विदाउट मच लॉस हम लोग उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं. सो वॉट एवर वी प्रोड्यूस इन इंडिया, दैट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए सी. एंड वाई इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, वाई वी आर प्रोड्यूसिंग ए सी करंट, बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकल एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर द ट्रांसमिशन टू. नाउ द फिक्सड वैल्यू ऑफ ए सी करंट इन इंडिया इज 230 volt and 50 hertz. दिस इज द फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सो 230 volt and 50 hertz इज द स्टैंडर्ड वैल्यू इन इंडिया वेन एवर द इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन प्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी करंट पे काम करते हैं, जैसे हमारा टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जो है वो किसके ऊपर काम करते हैं, डीसी पे. लेकिन हम कौन सा करंट बना रहे हैं, एसी.
एसी करंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी में, तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट्स चालू होंगे। क्लियर बात है, सिंपल बात है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को कोई डिवाइस चाहिए। अच्छा, वो डिवाइस है, हम यहाँ पे दो तरीके की डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। पहला है रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा है फिल्टर्स, फिल्टर का भी काम वैसे ही है, वो एसी कंपोनेंट निकालता है, डीसी कंपोनेंट को आगे जाने देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिल्टर्स। ठीक है, फिल्टर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको गूगल से, यूट्यूब से मिल जाएगा, उसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है। रेक्टिफायर्स हम लोग और डिटेल में देखेंगे आगे चल के, बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन आर सिलेबस। रेक्टिफायर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट विच यूजेस डीसी करंट आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद रेक्टिफायर्स, उसके अंदर ही क्या होता है, रेक्टिफायर इंस्टॉल होता है। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी करंट को इनपुट करेगा और डीसी करंट को आउटपुट कर देगा, और वो अपना इंस्ट्रूमेंट चालू रहेगा। ठीक है, रेक्टिफायर से सॉरी, ये जो है एक बेसिक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिंपल रेक्टिफायर। और नीचे जो है वेव फॉर्म है, कि वेव फॉर्म हम लोग ने इनपुट कौन से दिया, आउटपुट किस तरीके से मिलेगा विद रिस्पेक्टिव आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, इसको एक बार ड्रॉ करके ले लेना। एसी सप्लाई जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ये एक ट्रांसफार्मर है, दो लाइन ड्रॉ किया ट्रांसफार्मर हमारे, ट्रांसफार्मर हम ईएमआई में पढ़ेंगे। ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो करंट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। हमारे एरिया में भी एक ट्रांसफार्मर होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर घर में पहुंचाता है। एक ही ट्रांसफार्मर, एक एरिया का एक ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा सा बॉक्स रहता है, तो अगर पूरे एरिया का लाइट चला जाता है वो ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ होता है। तो ये ट्रांसफार्मर वही ट्रांसफार्मर है जो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे पहुँचाएगा। ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को पहुँचाता है, दिस आर ट्रांसफार्मर। जैसे ये एसी करंट यहाँ पे जाएगा प्राइमरी से सेकेंडरी में, ये डायोड जो है रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को कन्वर्ट करेगा डीसी में, वो जाएगा फिर से फिल्टर में, जो भी कुछ पार्ट बचा हुआ रहेगा एसी का वो निकल जाएगा फिल्टर से, और वो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर में। वोल्टेज रेगुलेटर क्यों, क्योंकि जो हमारा एसी का जो जहाँ पे हम बनाते हैं वहाँ पे जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे बनता, मतलब काफ़ी सारे वेरिएशंस आते रहते हैं। तो जो हम घर पे यूज़ करते तो हमको वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिलता है। रिमोट एरियाज़ में काफ़ी कभी बार आपने देखा होगा कि काफ़ी लाइट डीम हो जाता है, कभी लाइट एकदम ब्राइट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, रेगुलेट नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू मिलना चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर को सप्लाई करेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर से यहाँ पे एल दिखाया, दैट इज़ लोड, लोड मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, आउटपुट। सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ये एसी वेव फॉर्म है, यहाँ पे जाएगा रेक्टिफाई होगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल लिया जाएगा, फिल्टर होगा, सिर्फ डीसी पार्ट जाएगा आगे, और वोल्टेज रेगुलेशन देखो एक सीधा लाइन, ये कैसा मिल रहा था डिस्टर्बेंस वाला, ये कैसा मिला सीधा, ये हम लोग का आउटपुट बन जाएगा ये वेव फॉर्म के साथ। ये डायग्राम ड्रॉ करके रखना, क्लियर हुआ, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, रीड करना पेज नंबर 344। आगे बढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सोर्स इनटू डीसी सोर्स, एसी करंट इनटू डीसी करंट। नाउ वी हैव टू यूज पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, एज अ रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। अभी रेक्टिफायर दो तरीके से है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफाई होगा, एक फुल वेव रेक्टिफाई होगा। हाफ वेव में क्या होगा, सिर्फ एक साइकिल को रेक्टिफाई करेंगे, फुल वेव में क्या होगा, दो साइकिल को रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर है, और रेक्टिफायर का काम क्या है, वापस पूछ रहा हूँ मैं, रेक्टिफायर का काम यह है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है और फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई चालू रखिएगा, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, बाय बाय।